Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बात करें तो भोजपुरी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री यानी कि आकांक्षा दुबे की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा दुबे के कपड़ों की जांच में स्पॉम पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा और आगे बढ़ा दिया है। अब वाराणसी पुलिस जेल में बंद मुख्य आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके दोस्त संजय सिंह सहित चार लोगों का DNA टेस्ट कराने की अनुमति अदालत से मांगी है। बता दें कि बीते 25 अप्रैल को सारनाथ के एक होटल में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उनकी मां ने हत्या का आरोप लगाया है। आकांक्षा के परिवार की तरफ से आत्महत्या को हत्या बताते हुए भोजपुरी गायक समर सिंह और संजय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके बाद समर सिंह और संजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभी इस मामले की जांच चल ही रही है। अगर कोर्ट पुलिस को समर सिंह सहित चार लोगों के DNA टेस्ट की अनुमति दे देती है तो जल्द ही आकांक्षा दुबे आत्महत्या का सच सामने आ सकता है। इस नए खुलासे को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि इस केस में बहुत अधिक साक्ष्य हम लोगों के पास नहीं था। एक्ट्रेस के पुराने कपड़ों के आधार पर चार अभियुक्त समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह और अरुण के DNA सैंपल के मिलाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। कोर्ट का आदेश आते ही DNA टेस्ट कराया जाएगा। वकील ने की कपड़े में स्पॉम मिलने की पुष्टि। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने भी बताया कि आकांक्षा दुबे के कपड़ों के स्पॉम पुष्टि हुई है और इस बात को हम लोग लगातार कह रहे थे कि उसके साथ मिसहैपनिंग हुई है। वकील ने कहा है कि उसने जो कपड़े पहने थे वो एक्ट्रेस के नहीं थे, उसके साथ पहले गलत किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। इस बात को हम लोग पहले दिन ही कह रहे थे कि इस मामले में रेप का एंगल है और उस पर जांच की जाए। वकील ने कहा है कि पुलिस शुरुआती समय में इसे आत्महत्या बताने पर अड़ी हुई थी। अब जो कपड़े में पाया गया है इससे इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनका पर्दा उठ जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट।